साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। यू तो हमारे देश में कई तरह की चर्चाएं आम होती हैं और राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ तमाम तरह के ऐसे आंदोलन भी होते हैं जिनसे हमारे देश की जो एक संपत्ति है नुकसान ही पहुँचता है और साथ ही साथ जो देश का जो मान है वो भी वैश्विक स्तर पर खराब होता है। अभी हाल में हमने देखा किस तरह की तमाम तरह के विवाद चलते रहे। विवादों की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चलता रहा, अभी भी चल रहा है, उसमें तमाम सरगर्मी का दौर जारी रहा और तमाम तरह की चर्चा हुई, धार्मिक बयानबाजी हुई और बयानबाजी इस हद तक गई कि बयानबाजी के चलते यहाँ पर निष्कासन भी हुआ, मुकदमे भी दर्ज हुए और उसके बाद एक सुनियोजित ढंग से उस बयानबाजी के बाद उपद्रव किया गया। उपद्रव की श्रेणी ये रही, कानपुर से शुरू हुआ उपद्रव प्रदेश के कई जिलों में हुआ, देश में हुआ और रांची में तो कई लोगों की जान चली गई। उपद्रव क्या था कि नूपुर शर्मा का बयान था और लोग लगातार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ जुमे की नमाज के बाद इस योजना को अंजाम दिया गया और जुमे के बाद योजना को अंजाम दिया गया। उसके बाद चाक चौबंद व्यवस्था रही, आज भी जुमा था और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में तमाम तरह की यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई थी कि कोई बवाल ना हो। खैर, जुमे के बाद कोई बवाल नहीं हुआ, नमाज आराम से हुई और कई जगह उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तो कई मस्जिदों के बाहर पुलिस अधिकारियों द्वारा जो नवाजी थे उनको गुलाब के फूल दिए गए और शांति और सौहार्द का संदेश दिया गया, एक पहल की गई जिससे कि शांति व्यवस्था ठीक रहे। तो यहाँ पर जो कानपुर उपद्रव चल रहा था वो तो अब मान के चलते हैं कि उसकी बात अब धीमे धीमे कम हुई थी और जो आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा ना हो कि आने वाले जुम्मे पे फिर बवाल हो, पर ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुई। पर घटना जो घटित नहीं होनी थी वो घटित होने लगी। घटित नहीं होने लगी कि अभी दो दिन पहले ही जब राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में सेंट्रल कमांड में और बड़ा घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सेना की भर्ती होगी और अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी और इसके लिए जो पात्रता है वो उम्र की अगर हम बात करें तो 17.5 साल से लेके 21 साल तक रखी गई और मापदंड, व्यवस्थाएं, लाभ क्या मिलेगा, तमाम तरह की यहाँ पर चीज़ें बताई गई और उसके बाद शुरू हुआ इस योजना के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर। और विरोध प्रदर्शन का दौर भी इस कदर रहा कि देश के कई 11 राज्यों में ये हिंसा फैल गई। हिंसा ही बोलेंगे क्योंकि जब किसी की आगजनी होती है, किसी की मृत्यु होती है, किसी का नुकसान होता है, संपत्ति को नुकसान होता है, ट्रेनें जला दी जाती हैं, बसें जला दी जाती हैं, इसको हिंसा ही बोलेंगे। और जब लाठी चार्ज होगा, गोली चलाई जाएंगे, असुर गैस के गोले छोड़े जाएंगे तो इसको हिंसा की ही बात बोलेंगे। यहाँ पर कोई सामुदायिक हिंसा नहीं हुई थी, ना कोई सांप्रदायिक हिंसा थी, ना यहाँ कोई बवाल था। यहाँ मामला केवल एक था, वो था अग्निपथ योजना पर विरोध। और विरोध कर कौन रहे थे? विरोध वो कर रहे थे जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश की आने वाली व्यवस्था है, जो हमारे देश के भविष्य के कर्णधार हैं, जो हमारे विकास की धारा के सेतु हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। वही लोग, वही छात्र, वही आंदोलनकारी ट्रेनों में, बसों में आग लगा रहे थे, स्टेशनों में तोड़फोड़ कर रहे थे और मैंने आपको बताया देश के 11 राज्यों में इस तरह की तोड़फोड़ की गई, ट्रेनों को आग लगाया गया, बसों को आग लगाया गया, स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट तक की गई, हाईवे जाम किए गए, रेलवे ट्रैक जाम किए गए। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी लगभग 14 जिलों में ये हिंसा हुई, ये प्रदर्शन हुआ, ये विरोध हुआ और रेलवे ट्रैक बाधित किए गए, हाईवे बाधित किए गए, बसों में आग लगाई गई। ये क्या है, ये कैसा विरोध, ये किस तरह का विरोध है, मेरे समझ के परे। क्योंकि हम विरोध की बात करें तो हमारे देश में समय समय पर विरोध होते रहते हैं, कुछ शांतिपूर्ण होते हैं तो कुछ विरोध आगे जाके हिंसक हो जाते हैं, जान जाती है, नुकसान होता है, सरकारी संपत्ति को यहां पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भले ही सरकार बाद में आंदोलनकारियों से उसकी पूर्ति करे, और समय तो नुकसान हुआ और ये नुकसान देन किसकी है, ये नुकसान देन उनकी है
जो कहते हैं कि हम देश के भविष्य हैं, हम देश में नौकरी करना चाहते हैं, हम देशभक्त हैं और हम देश की सेवा करना चाहते हैं आर्मी के माध्यम से। पर अगर आर्मी के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं तो ये आगजनी कौन कर रहा है, ये बसों में कौन आग लगा रहा है, और ये लोगों को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, ये सरकारी संपत्ति का नुकसान कौन पहुंचा रहा है, ये लूटपाट कौन कर रहा है, ये ट्रैक कौन बारिश कर रहा है, 13 से 15 ट्रेनें निरस्त हो गई, उन लोगों को जो अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाने वाले थे, लौटने वाले थे, उनके लिए परेशानी कौन खड़ा कर रहा है। आप आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो अपनी अपनी बात को शांति से कहते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और देश तक अपनी, देश के जो मालिक हैं, देश के जो हुक्मरान हैं, जो देश के सरकार को चला रहे हैं, उन तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। और एक आंदोलनकारी वो होते हैं जो अपने साथ साथ पूरे देश में उस तबके को बदनाम करते हैं। जिन भी आंदोलनकारी छात्रों ने यहां पर आग लगाई है, जिन्होंने ट्रेन को आग के हवाले किया है, जिन्होंने बस में तोड़फोड़ की है, जिन्होंने हाईवे ट्रैक को बाधित किया है, जिन्होंने जगह जगह हिंसा की है, जहां पर जिन्होंने जगह जगह लाठियां चलाई हैं, ट्रेनों के शीशे फोड़े हैं, बसों के शीशे फोड़े हैं, गाड़ियों में आग लगाई है, ये आंदोलनकारी पूरे पूरे युवा अभ्यर्थियों को जो देश की सेवा के लिए तत्पर है उस तबके को बदनाम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपको अगर योजना अच्छी नहीं लगी है, उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, उसमें बदल होना चाहिए, कुछ उसमें बदलाव होना चाहिए, तो उसके लिए आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पर चूंकि हमारे देश में अब बात कहने का अधिकार केवल केवल हिंसक प्रदर्शनों के माध्यम से ही होने लगा है, और निश्चित रूप से ये हमारे संविधान की छूटी है कि लोग अपने प्रदर्शन को करते, जो उनका मौलिक अधिकार है, जो आपका संवैधानिक अधिकार है, यह आपको देश का संविधान अधिकार देता है कि आप अपने अपना किसी चीज की आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है, कोई नियम कानून आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, पर यह विरोध हिंसक नहीं होना चाहिए, ये विरोध देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये विरोध लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये विरोध जनता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और इस विरोध में राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम देखे 2019 में भी CNRC को लेकर तमाम तरह का विरोध रहा, और विरोध ऐसा रहा कि वहां पर भी बसें चलाई गई, गाड़ियां फूकी गई, उसके बाद फिर वो विरोध हिंसक होते के बाद, पथराव होने के बाद, पोस्टर जारी होने के बाद, लोगों की संपत्ति कुर्क होने के बाद, वो विरोध शांतिपूर्ण ढंग पर पहुंच जाता है और लखनऊ के घंटाघर से लेकर शाहीन बाग तक इस विरोध की पटकथा रची जाती है। विरोध हो रहा है और साल भर विरोध चला, विरोध ऐसा चला कि जब कोरोना आया तो कोरोना के चलते लोगों से कहा गया कि अब तो लोगों की जिंदगी को देखते हुए आप लोग इस जगह से हट जाए, क्योंकि अगर कम्युनिटी में रहेंगे आप लोग, एक घेरा बना के रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो कोई भी संक्रमित लोग से आपको कोरोना हो सकता है, और जान की हिफाजत सबसे जरूरी है, जान है तो जहान है, इसलिए आपको हटना पड़ेगा, तब उसके बाद हटे। तो एक विरोध वो था CNRC का। उसके बाद विरोध की बात करें तो विरोध की शुरुआत हुई किसान आंदोलन से, 3 बिल लेके आई थी केंद्र सरकार, किसान बिल, उस पर लेके तमाम गतिरोध बना, उसमें भी तमाम आंदोलन हुआ, टेंट लगाए गए, गोली चली, लाठी चली, तमाम तरह की बड़ी बड़ी राजनीति हुई। उसके बाद लखीमपुर में एक घटना हुई, उसको लेके भी लगातार सरकार निशाने पर रही, तमाम राजनीतिक दलों ने उस पर रोटियां सेकी। मैं रोटियां ही बोलूंगा, क्योंकि जब आप किसान को अगर मानते, किसान से आपका प्रेम है, तो किसानों की हर समस्या के लिए आप जा सकते हैं, पर यहाँ पर लखीमपुर कांड पर हम देख रहे थे किस तरह से होड़ लग गई थी कि कौन सा नेता सबसे पहले पहुंचेगा, किसी को नजरबंद कर दिया गया, किसी को रोक लिया गया, तो कोई गुपचुप तरीके से किसानों के लिए पहुंच गए सहानुभूति दिखाने के लिए, उनके परिजनों से मिलने। अब वो उनके परिजनों से प्रेम था कि केवल केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, ये सब जानते हैं, जनता जनार्दन को सब पता है, ये बात बताने की नहीं है कि हमारे देश में कोई मुद्दा उठता है, कोई बात होती है, तो उस पर पहले राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, बाद में अहम मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अगर किसानों से इतना प्रेम है तो सबसे पहले जहां जहां लोगों की सरकार है, राजनीतिक पार्टी सरकार है, वहां पर किसानों के लिए कुछ बेहतर करें। अगर आपकी कहीं सरकार है आपकी पार्टी की, तो पहले आप अपनी उस जगह पर किसानों के लिए बेहतर करें तो बेहतर होगा, पर यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। तो किसान आंदोलन की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी प्रदर्शन हुआ, और प्रदर्शन ऐसा हुआ कि सब देख रहा, उसके बाद वो कानून को वापस लिया गया, उस कानून को वापस लिया गया, और महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां महोबा गए थे, उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए इस कानून की वापसी करने की घोषणा दी, 19 जनवरी की बात है। तो
यहाँ पर जो वापसी होती है, पटकथा रची जाती है, आंदोलन होता है। समस्या क्या है? अगर समस्या है तो आप इसका प्रदर्शन करिए, समस्या है तो इसको आप शांति से रखिए, समस्या है तो आप ज्ञापन दीजिए, समस्या है तो आप एक साथ मिलकर सरकार से बात करिए, प्रतिनिधिमंडल बनाइए, उसके साथ उससे बात करिए और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। पर ट्रैक बाधित करना, रेलवे में आग लगाना, ट्रेनों में आग लगाना, बसों में तोड़फोड़ करना, आम जनमानस को परेशान करना, ये विरोध का तरीका नहीं है। मैं मानता हूँ संविधान से आपको अधिकार मिला है, आपका मौलिक अधिकार है कि अगर कोई कानून खराब बनता है या कोई बात गलत होती है, योजना गलत पाई जाती है, तो उसका आप विरोध कर सकते हैं। पर विरोध संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप वो विरोध राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचा के करें। विरोध करिए, विरोध करने का आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। पर विरोध किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को, आम जनमानस को कष्ट देके वे विरोध, इस अधिकार की छूट, इस तरह के विरोध प्रदर्शन की छूट आपको भारत का संविधान नहीं देता, ना संविधान देता है, ना सरकार देती है, और ना ही हमारे देश का कानून देता है, ना हमारी जैसी अदालत। क्योंकि जो चीज़ कानून के दायरे में होती है उस चीज़ की व्यवस्था अलग होती है, उस चीज़ का संदेश अलग होता है, उस प्रदर्शन की आज बहुत छोटी होती है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी अहिंसा के माध्यम से हमारे देश को आज़ादी दिलाई गई थी। मैं मानता हूँ समय जरूर लगा, पर अहिंसा की आज इतनी थी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में करोड़ों लोग देश की आज़ादी के लिए यत्न कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जेलों में जा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, अपनी जिंदगी निछावर कर रहे थे। पर एक बार परिणाम आया कि अहिंसा की आँच इतनी ऊंची हुई, उसके बाद देश को स्वतंत्रता मिली। तो यहाँ पर हम अहिंसा की बात तो करते हैं, पर यहाँ पर हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात नहीं करते हैं। नुकसान पहुँचाना, बिहार में तमाम जगहों पर तोड़फोड़ की गई, सहरसा, दानापुर, गया, छपरा में ट्रेनों में आग लगाई गई, पैसेंजर ट्रेनों में, जो कि सरकारी संपत्ति है जिसमें हम आप ही सफ़र करते हैं, जो हमारे लिए ही बनाई गई है, फिर इन ट्रेनों में आग लगाने का औचित्य क्या है, इन बसों में आग लगाने का औचित्य क्या है? मैं मानता हूँ कि आप अगर योजना है, अग्निपथ योजना है, सरकार की योजना है, बहुआयामी योजना है, उनका कहना है कि बहुत अच्छी योजना है और आने वाले समय में इससे युवाओं को लाभ मिलेगा, मैं मानता हूँ इसमें कुछ संशोधन हो सकता है तो निश्चित रूप से संशोधन बेहतर रहेगा। और सरकार को यहाँ पर अगर कुछ संशोधन की बात होती है तो यहाँ पर काउंसलिंग करना चाहिए और संशोधन करना भी चाहिए। पर इस योजना के चलते हिंसक प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, ये बात स्पष्ट करता है कि आंदोलनकारी आंदोलनकारी होते हैं, उनके पीछे युवा, छात्र, बुजुर्ग, जनता नहीं लिखी जा सकती है। जैसे एक अपराधी अपराधी होता है चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, ऐसे ही आंदोलनकारी आंदोलनकारी होता है चाहे वो समाज के किसी भी तबके से आता हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आम जनता हो और चाहे बच्चे हो। पत्थरबाजी करना, देश को नुकसान पहुंचाना, आग लगाना, आगजनी करना, लोगों को, आम जनमानस को परेशान करना, ये कतई प्रदर्शन की श्रेणी में नहीं आता। पर यहाँ पर सरकार की भी कुछ कमियाँ हैं, क्योंकि जो विरोध हुआ ये विरोध अचानक हुआ और आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर तमाम तरह की भ्रामक चीज़ें उतरी उसके लिए जिम्मेदार भी आप, क्योंकि अगर आप कोई योजना लेके आते हैं और ये चीज तीनों चीज़ों में भी, मैं अगर बात करूँ CRRC की, तब भी ये रहा कि बहुत सारे लोग मुझे धरातल पर ऐसे मिले थे जिनको CNRC का मतलब ही नहीं पता था, उनको पता ही नहीं था कि CNRC क्या है, ये हमारे हित में है कि हमारे नुकसान में है, और उनको केवल ये लग रहा था कि ये जो योजना है CNRC ये केवल और केवल अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों के लिए नुकसान के लिए आई है, और वो उस प्रदर्शन की आग में कूद गए, प्रदर्शन करते रहे, उनको पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर जो कमी रही वो रही व्यापक प्रचार प्रसार, यहाँ पर आप प्रचार ही नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए लोगों को कि ये योजना या जो व्यवस्था है किस लिए बेहतर है। उसके बाद वही गलती दोहराई गई किसान बिल में, एकदम से बताया गया, जानकारी दी गई, और अगर उसका हम पहले से प्रचार प्रसार करते, कुछ जो बड़े किसान नेता उनसे चर्चा करते, कुछ संशोधन करते, हो सकता था कि ये स्थिति किसान बिल में भी नहीं आती और कुछ बेहतर परिणाम सामने आता। ये दूसरी घटना थी जो कि सरकार को इस पर यू टर्न लेना पड़ा। और
अब तीसरी ये घटना है, योजना लाई गई अग्निपथ, यानी अग्निवीर बनेंगे और अग्निवीर बनने के बाद जब 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अपनी नौकरी के द्वार खोलेंगी, उनको पैसा भी मिलेगा, साथ ही साथ वो अग्निवीर कहलाएंगे। सरकारी विभागों की नौकरियों में उनको परिता भी मिलेगी, पुलिस विभाग की जो तमाम विंग हैं, जो तमाम दल हैं, उनमें नौकरी मिलेगी, इस तरह की व्यवस्थाएँ मिलेंगी। पर इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया। होता यह है कि जब हमारे देश में कोई भी योजना लागू होती है तो लागू होने के बाद उस योजना की जो नकारात्मकता है उसको उठाकर फैला दिया जाता है, जो उस योजना से जुड़े मिथक हैं उसको उठाकर फैला दिया जाता है, जो उस योजना से जुड़ी भ्रांतियां हैं उनको उठाकर वायरल कर दिया जाता है, और फिर जो होता है वो सब आपके सामने है। अगर हम किसी भी योजना को शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से बड़े बड़े लोगों को उसमें सम्मिलित करें, योजना बनाएं, योजना बनाने के बाद उन योजनाओं को धरातल पर लाएं और साथ ही साथ प्रयास करें कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से व्यापक प्रचार प्रसार करें, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम बताएं। केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश पर लागू नहीं करना है, उसकी जानकारी देना है, और अगर योजना की बात करें बेहतर योजना है पर इसमें कुछ संशोधन हो जाए तो और बेहतर रहेगा, इसमें समय बढ़ा दे तो और बेहतर होगा, इसमें अगर हम कैडर जो 25% लोगों को बता रहे हैं स्थायी कमीशन देंगे, स्थायी कैडर देंगे, अगर बढ़ जाए तो और बेहतर होगा, और जो हमारे यहाँ नियुक्ति चलती है भारतीय वायुसेना की, भारतीय थल सेना की और भारतीय जल सेना की, जो इंडियन नेवी है, उसके हिसाब से अगर नियुक्तियाँ हो रही हैं, तमाम तरह के हमारे एग्जाम होते हैं, खुली भर्ती भी होती है, NDA भी होता है, CDS भी होता है, तो ये विकल्प के तौर पर हम योजना रख सकते हैं कि हाँ भाई ये योजना आपके विकल्प के तौर पर है, आप चाहे तो NDA से आइए, आप चाहे तो CDS से आइए, आप चाहे खुली भर्ती से आइए, और जैसा BRS 15 साल में होता है आप चाहे तो 4 साल नौकरी करके छोड़ सकते हैं। फिलहाल सरकार ने यहाँ पर अनिवार्यता नहीं रखी है, ये ऐसा नहीं कि सारे युवाओं के लिए है, जिसको आना चाहे वो आ सकता है, पर यहाँ पर अगर समय हम थोड़ा बढ़ा सकते तो शायद बेहतर रहता। और ये भी आप देखिए कि अगर 25 से 50% इसको करें तो भी बेहतर होगा कि 50% युवा जो चयन के योग्य रहेंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको स्थायी किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रचार नहीं हो पाया, प्रसार नहीं हो पाया। मैं सरकार की योजनाओं पर यहाँ पर प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, योजनाएँ सब अच्छी रही पर योजनाओं में कुछ संशोधन करके, योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करके हम इन योजनाओं को लागू कर सकते थे और लागू करते, पर उसके बाद विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन ऐसा कि देशव्यापी हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं लोगों के भले की, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कहा कि 1.5 साल में हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, उसके रोजगार के लक्ष्य को पूरा करना है, रोजगार के लक्ष्य को पूरा कैसे करेंगे जब हम उसके लिए एक योजना बनाएंगे, योजना लाई जा रही है पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कैसे होना है, योजनाओं का सही तरीके से प्रचार करना बहुत जरूरी है। मेरा मानना यह है कि अगर प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो जो समाज के असामाजिक तत्व हैं, जो समाज के विरोधी हैं, जो देश के विकास के विरोधी हैं, वो योजनाओं की कमियों को जो होती हैं, अगर थोड़े बहुत लूपहोल होते हैं उन कमियों को छात्रों के बीच वायरल कर देते हैं, और फिर परिणाम ये होता है जो जो आप देख रहे हैं कि ट्रेनों में आग, बसों में आग और आगजनी, हाईवे जाम, ट्रैक जाम, देश के 11 राज्यों में इस समय हिंसा फैली हुई है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, आगजनी की जा रही है, और जो हमारे देश के भविष्य हैं आंदोलनकार छात्र, वही इस समय आंदोलनकारी बने हुए हैं। तो मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी आंदोलनकारी छात्रों से ये कहना है, प्रदर्शन आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आपको संविधान इसके लिए इजाजत देता है, पर ये संविधान को आप अपने हिसाब से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश के लोगों को नुकसान पहुंचाना, आम जनमानस को प्रदर्शन करना, इसका अधिकार आपको देश का संविधान नहीं देता, ना ही आपको कानून देता है। कोई समस्या है और यहाँ पर योजनाओं का विरोध करना आपका अधिकार है, आप विरोध करिए, अपनी बात सरकार तक पहुँचाइए, पर वो विरोध हिंसक नहीं होना चाहिए, उस विरोध में आगजनी नहीं होनी चाहिए, उस विरोध में लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उस देश में, उस विरोध में देश की संपत्ति को हास नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सरकार से भी मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन है कि कोई भी योजना लेके आते हैं, कोई भी अच्छी पटकथा रचते हैं, कोई भी अच्छी रूपरेखा बनाते हैं, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे स्वरोजगार को लेकर हो, चाहे देश के विकास को लेकर हो, चाहे जो भी व्यवस्था रहो, चाहे निवेश को लेकर हो, आप अगर कोई भी योजना लेके आते हो उसका प्रॉपर प्रचार प्रसार करें, उसका सही से प्रचार प्रसार करेंगे तो जो भ्रांतियाँ हैं वो नहीं फैल पाएंगी, मिथक नहीं फैल पाएंगे, और आप सही तरीके से
उन योजनाओं को लोकप्रिय बनाते हुए, जनता के प्रिय बनाते हुए, जनप्रिय बनाते हुए उनको लागू कर सकेंगे और तब हमारे देश में प्रदर्शन नहीं होगा, होगा तो केवल केवल विकास। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जी नमृति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।